हमारे साथ डॉक्टर धर्मवीर गांधी है, कांग्रेस से प्रत्याशी हैं और यहाँ पहले जीत भी चुके हैं। सर, पहले तो आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू जी, थैंक यू मैडम। सर, ये बताइए कि कितनी सीटों का दावा कर रहे हैं पंजाब में? कम से कम 8 सीटों का, ज़्यादा से ज़्यादा 10 सीटों का। अच्छा, इससे पहले भी आपके विरुद्ध में माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी भी आपको कड़ा टक्कर दे रही है, साथ में त्रिकोणीय मुकाबला है, बीजेपी की तरफ से भी आपको टक्कर मिल रहा है। परनीत जी जो पहले कांग्रेस में थी, अब उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया है ऐसे में, और आप भी आप पार्टी से छोड़कर कांग्रेस में हैं, तो ऐसे में नहीं लगता कि जनता के बीच एक कन्फ्यूज़न है कि कौन किसका कौन कहाँ? नहीं, लोग कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। एक तो नई उभर रही कांग्रेस है राहुल गांधी की अध्यक्षता में, उसका एक अपना जलवा है, अपना एक उत्साह है लोगों में, और दूसरा लोगों में बदनाम, किसानों में बदनाम पंजाब दुश्मन भाजपा है, जो पंजाब के लोगों ने खुद अपने शरीर पे उसको झेला है किसान आंदोलन के दौरान और उसके बाद भी, और पंजाब के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। कोई पंजाब बड़ी बड़ी से कर्जाई है, पंजाब का कर्जा, पंजाब का प्रवास, पंजाब की बीमारियां, पंजाब का नशा की समस्या, किसी ने कुछ नहीं किया। तो इन सब के खिलाफ लोगों में बहुत गुस्सा है। तो ये कांग्रेस पार्टी का नया उदय हो रहा है राहुल गांधी की अध्यक्षता में, तो लोगों में कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। असल में ये परिवार जो 50 साल कांग्रेस छत्रछाया में पला बड़ा, 2 बार मुख्यमंत्री बने, 4 बार MP बने, तो उसमें लोगों ने देख लिया कि जब कांग्रेस को जरूरत पड़ी, संकट था कांग्रेस के ऊपर, तो ये लोग कांग्रेस के पीठ में छुरा घूम के आराम से वो भाजपा की गोदी में जा बैठे। अच्छा, पूरे भारतवर्ष में जहां गठबंधन में आप और कांग्रेस है, वहीं पंजाब में बिल्कुल विरुद्ध खड़ी है, तो ऐसे में ये भी एक बड़ी समस्या नहीं हो रही कोई, कि जहां कोई समस्या नहीं है, ये फ्रेंडली मैच है, ये लड़ा जाएगा, क्योंकि पंजाब में कांग्रेस मुख्य विरोधी पक्षी भूमिका में है। अगर आज कांग्रेस इनके साथ खड़ती है तो जो एक एंटी हुकूमेसी जो इनको झेलना अकेले, वो पंजाब कांग्रेस को भी झेलना पड़ेगा, और स्थाई में हमारी पोजीशन वीक होगी। इसलिए पंजाब में हमने ठीक किया, दिल्ली में हमने ठीक किया। कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, आप भी यहाँ पर जीत चुके हैं, और ऐसे में आम आदमी पार्टी की तरफ से आप जीते हैं, और ऐसे में इस बार आपने पाला बदल के कांग्रेस का दामन थामा है, तो इस बार क्या लगता है आपको? बहुत बड़ी जीत होगी, हम 1 नंबर पे रहेंगे और दो तीन नंबर पे आम आदमी पार्टी, भाजपा और अकाली दल, तीनों इनकी आपसी लड़ाई है, हमारा इनसे कोई मुकाबला नहीं है। किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं, वोट मांग रहे हैं आप? देखो, एक तो क्षेत्रीय मुद्दे हैं, एक पंजाब के मुद्दे हैं, और एक देश के मुद्दे हैं। देश के मुद्दे हैं लोकतंत्र की व्यवस्था, संविधान, और भारतीय जो भाईचारा लोगों में, और जो धर्म निरपेक्ष है भारत का, वो मुद्दे हैं। और प्रांतीय स्तर पर हमारे नशे की समस्या है, हमारी जल की समस्या है, हमारे प्रवास की समस्या है, हमारे नौजवानों की समस्या है, बेरोजगारी है, और जो लोकल स्तर पे एक तो राजपरा चंडीगढ़ रेल लाइन मंजूर करवाना है, एक राजपरा जो हरसरान तक जो लाइन है वो 4 लेनिंग करवानी है, और घग्गर दरिया का इंतजाम करना है, और राजपरा नाभा रोड भी शायद 4 लेन करवाने का प्रोग्राम बने। अच्छा, गर्मी बिल्कुल कहर ढा रही है और ऐसे में वोटिंग परसेंटेज कम हो रहा है, वोट अपील करना चाहेंगे? बिल्कुल, सबको कहना चाहूँगा, ये पर्व है हमारे राष्ट्र का, ये एक चुनाव पर्व है, इसमें सबको अपना योगदान डालना चाहिए। उन्हें अपने नुमाइंदे चुनने हैं जो आगे नीतियाँ बनाएंगे, जो देश को आगे चलाएंगे, वो नीति वहाँ कौन पहुँचता है इस पर डिपेंड करता है। अगर मोदी पहुँचा तो किसानों के खिलाफ बिल आ गया, बेरोजगारी बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, वो एक देश में जो एक नफरत की आंधी चल रही है, नफरत का बाजार चलाया हुआ है मोदी ने धर्म के नाम पे, वो सबको अगर भांज देनी है तो उनको बड़ी मात्रा में वोट देकर मोदी सरकार को हराना चाहिए। और आम आदमी पार्टी जो सिर्फ झूठे वादों पे काम करती है, झूठे अखबारी पार्टी है, इश्तिहारी पार्टी है, उसको भी हराना चाहिए जी। थैंक यू करने के लिए। तो आपने धर्मवीर गांधी जी को सेना कांग्रेस में शामिल हो गए, कांग्रेस की तरफ से लोकसभा प्रत्याशी हैं, साफ तौर पर लोगों से वोट अपील करके कह रहे हैं कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वोट देना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करना चाहिए, और हम एबीपी न्यूज़ के माध्यम से भी अपने लोगों से, जो दर्शक हमारे उनसे यही अनुरोध कर रहे हैं कि आप घर से निकलें, अगर आपके क्षेत्र में आज मतदान है तो आप मतदान ज़रूर करें, इस लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी ज़रूर निभाएं। कैमरा पर्सन प्रवीण दीक्षित के साथ में मेघा उपाध्याय, एबीपी न्यूज़ पंजाब, पटियाला।